आज मैं आपके लिए छत्तीसगढ़ की बहुत ही फेमस डिश की रेसिपी शेयर करूंगी। चावल के आटे के फरे हम बनाएंगे, पर चावल के आटे के फरे बहुत ही हेल्दी ट्विस्ट के साथ हम बनाएंगे। एकदम अलग हटके रेसिपी है और इस तरह से अगर आप बना के खाएंगे ना तो भाप में पकेंगे, कम तेल में बनेंगे, टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बनेंगे और हेल्दी भी बहुत बनेंगे। कैसे बना सकते हैं, आइए शुरू करते हैं फटाफट से रेसिपी। तो रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा चावल का आटा। तो इसके लिए चावल का आटा कहाँ से आए, इसको आप घर में बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लें। अब आपको एक मिक्सिंग बोल में लेकर डालना है 3/4 कप के करीब चावल का आटा, और 3/4 कप चावल का आटा लेकर इसमें हम डालेंगे कुछ सब्जियाँ। तो सब्जियाँ अपनी पसंद की कोई भी घिस कर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब यहाँ पर पत्ता गोभी लिया है जिसको घिस कर डाल दिया है, 1 गाजर को भी घिस कर डाल दिया है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्चें, 2 से 3 इंच अदरक का टुकड़ा भी यहाँ पर कद्दूकस करके डाला है, और खूब सारा हरा धनिया डालेंगे। इन सारी चीज़ों को सबसे पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी तक आपने देखा हमने इसमें प्याज ऐड नहीं किया, तो प्याज आपके ऊपर डालना, आप चाहें तो प्याज भी इसमें डाल सकते हैं। जो लोग प्याज नहीं खाते हैं वो प्याज को स्किप कर सकते हैं, और अगर आप इसमें प्याज डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज को बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया है इस तरह से, तो ये भी हम इसमें डाल देते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 नींबू का रस, जो कि हमारे बैटर को, हमारे जो हम डो बनाने वाले हैं इसको बहुत ही बढ़िया खटास देगा। तो सारे फ्लेवर्स हम इसमें डाल देंगे और उसके बाद में हम इससे फरा बनाएंगे। तो देखिए नींबू डाल दिया, 1/2 चम्मच के करीब नमक डाल दिया मैंने, आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें 2 पिंच के करीब हम ऐड करेंगे खाने वाला सोडा, तो बहुत ज़्यादा ना डालें, सिर्फ 2 पिंच के करीब डालें। इन सारी चीज़ों को अच्छे से सबसे पहले मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद में पानी डालकर हमें इसका आटा लगाना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसमें बाइंडिंग में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए बहुत अच्छा मैं एक सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले तो इसको मिक्स कर लीजिए, सारी सब्जियों को इस तरह से थोड़ा सा हल्के गर्म पानी से हम मिक्स कर लेंगे। हल्का हल्का गर्म पानी डालकर इस तरह से छोड़ दीजिए थोड़ी देर। हमने ये देखिए इस तरह से इसको कर लिया है, और इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप के करीब बेसन। बेसन डालकर अच्छे से मिला लेना है हमें। तो अगर आपका जो चावल का आटा है अगर थोड़ा सा दरदरा पिसा हुआ है तो कभी कभी बाइंडिंग में प्रॉब्लम आती है, तो इसके लिए आप इसमें बेसन भी डाल सकते हैं 1/4 कप के करीब। और अगर आपका चावल का आटा बिल्कुल महीन है तो बिना आप बेसन के भी इसको बना सकते हैं। बेसन डालने से वैसे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये देखिए इस तरह से अब हम रोल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसका सॉफ्ट आटा लगा लिया है, और इस तरह से सारे फरे बनाकर रेडी कर लेंगे। अब छलनी में हम इसको रखेंगे, तो छलनी को हमने पहले से ग्रीस करके रखा हुआ है। तो ग्रीस करने के लिए आप कोई भी ऑयल ले लीजिए, ऑयल से अच्छे से छलनी पर ऑयल लगा देंगे चारों तरफ ताकि ये चिकना हो जाए, और जब इसमें हम अपने भाप में पकाएं फरों को तो ये बिल्कुल भी चिपके ना। तो अच्छे से चारों तरफ से हमने छलनी को चिकना कर लिया। अब इसमें हम अपना नाश्ता रख देंगे इस तरह से। कम तेल में बना हुआ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनकर तैयार होगा, और चाय के साथ अगर आप इसको शाम को खाते हैं ना तो आपको बिल्कुल भी गिल्ट फ्री नाश्ता बनकर तैयार होगा। यानी कि इतने कम तेल में आप इसको बना सकते हैं, और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है, टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए ढककर हम इसको छोड़ देंगे। नीचे मैंने पानी रख दिया था कढ़ाई में, और ऊपर मैंने छलनी में इनको रख दिया। लगभग 10 मिनट मैंने इनको भाप पे पका लिया है, और 10 मिनट के बाद में ये देखिए इनका कलर चेंज हो चुका है, तो ये भाप में पककर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इनको आप ठंडा कर लें, और ठंडा होने के बाद में इनको हम अलग अलग कर लेंगे, और उसके बाद में इनको हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो देखिए ठंडे होने के बाद में आप चाहें तो इनको 2 टुकड़ों में इस तरह से काट सकते हैं, बहुत ईजिली कट जाते हैं। अंदर से भी आप देख सकते हैं सोडा हमने ऐड किया था, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा नरम बने हैं, सॉफ्ट बने हैं। तो सारे यहाँ पर फरों को हमने काट लिया है, फरों को बहुत से लोग पीठा भी बोलते हैं। अब आपको एक पैन या कढ़ाई में डालना है थोड़ा सा तेल, मैंने लगभग 2 से 3 चम्मच तेल डाला है। सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, वैसे सरसों के तेल में ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये। 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर राई डाल दी, आप राई सरसों दोनों में से कोई भी चीज़ लेकर अच्छे से चटका लीजिए, और फिर इसके बाद में 1 चम्मच इसमें सफ़ेद तिल डाल दीजिए। सफ़ेद तिल का टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है। तो दोनों चीज़ें अच्छे से चटक जाएंगी, इसके बाद में हम इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। तो तड़का भी हम बहुत ही फ्लेवरफुल बना रहे हैं, जिस तरह से हमने फरों को बनाया था, पीठा भी बनाया था, तो उसी तरह से इसको तड़के को भी हमें बहुत फ्लेवरफुल बनाना है, तो हमारा जो नाश्ता है और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो कटा हुआ हरा धनिया भी हमने इसमें डाल दिया, और फरे अब हम डाल देंगे जो हमने काट कर तैयार किए थे, और इस तरह से इनको थोड़ी देर छोड़ देंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम हाई रखा है।
इनको नीचे से हम सिकने देंगे, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हल्का सा सॉल्ट, लगभग 1/4 चम्मच आप बोल सकते हैं नमक मैंने डाला है, ताकि हमें फीकापन ना लगे ऊपर से। हल्का सा हरा धनिया वापस से डाल दिया, और अब इसमें वापस से हम निचोड़ेंगे आधा नींबू का रस, इस तरह से डाल दीजिए तो हल्का खट्टापन हमें मिल जाता है ऊपर भी, तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो बिल्कुल कहीं मत जाइएगा, एंड तक इस रेसिपी को देखें, क्योंकि ट्विस्ट अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये देखिए, अच्छे से इनको मिक्स करते हुए थोड़ा सा भून लीजिए चारों तरफ से। जब ये सिक जाएंगे, भुन जाएंगे, इसके बाद ही हम इसमें अपना एक मसाला ऐड करेंगे। तो एक स्पेशल मसाला हम इसमें डालने वाले हैं, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, कई गुना बढ़ जाएगा। तो अच्छे से देखिए, हमने इनको भून लिया है, तो सब तरफ से जब कलर आ जाएगा तब मानिएगा कि आपका जो फरा है सिककर तैयार है। तो इस तरह से मीडियम हाई फ्लेम पर इसको लगभग 5 मिनट तक आपको अलटते पलटते हुए सेक लेना है। ये देखिए, अब इसमें लास्ट में हम सेकने के बाद में ऐड करेंगे आधी चम्मच के करीब सांभर मसाला पाउडर। सांभर मसाला किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, या फिर होममेड भी ले सकते हैं। मैंने घर का बना हुआ सांभर मसाला ऐड किया है। सांभर मसाले की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। जो लोग सांभर मसाला नहीं डालना चाहते हैं वो स्किप भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको सांभर मसाला डालना ही है, पर इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, एक बार आप डालकर ज़रूर देखें। तो बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है फरे की, मैंने इस तरह से बनाए हैं, उस तरह से आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। एक बार आप बनाकर ज़रूर देखिएगा, आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो कैसी लगी आपको मेरी ये चावल के आटे की रेसिपी, चावल से के आटे से बना हुआ नाश्ता? बहुत ही हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, भाप में पका हुआ है, कम तेल में बना हुआ है, तो बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है ब्रेकफास्ट के लिए, साथ ही बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है टी और कॉफ़ी के लिए। तो इस तरह से आप बनाकर ज़रूर देखिएगा, आप सभी को बहुत पसंद आने वाला है। और आप इसको सर्व कर सकते हैं ग्रीन चटनी के साथ, टोमेटो केचप के साथ, जो भी आपको अच्छा लगे। वैसे तो अपने आप में ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बने हैं, अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलती तब भी आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगते हैं ये। तो बनाकर देखिएगा मेरा ये नाश्ता, कम तेल में बना हुआ, हेल्दी टेस्टी। तो कैसी लगी रेसिपी लिखकर जरूर बताएं, बनाने के बाद में फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।